आज मेरा 18 तारीख को सुबह में सुबह पाली में मेरा परीक्षा था यूपी पुलिस का। तो हम मैं यूपी पुलिस का पेपर देके घर के लिए आया। घर पे नेट ऑन कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। सुबह का भी पेपर लीक हो गया, शाम का भी पेपर लीक हो गया है। फिर तो भाई, इसके सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लड़कों को है जो दिन रात दिन भर इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो 3 3 साल 4 4 साल से पढ़ रहा है, जो लाइब्रेरी में दिन रात दिन भर पढ़ रहा है, 2 10 10 घंटा पढ़ रहा है, उनके लिए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो पढ़ रहे हैं कि सरकार चीट नहीं कराएगी, निष्पक्ष निष्पक्ष रिजल्ट आएगा, और पेपर के टाइम पता चल रहा है कि पेपर आउट हो गया है। तो भाई, जो पढ़ नहीं रहा है, व्यवस्था में है, वो बिना पढ़े ही पेपर पास कर जा रहा है, मेरिट में आ जा रहा है। जो पढ़ रहा है वो मेरिट से बाहर हो जा रहा है। जब यही सब जान जा रहे हैं, सब पता चला है कि पेपर इतना 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 फॉरवर्ड हुआ है, इतना फॉरवर्ड हुआ है कि फॉरवर्ड मेनी टाइम्स लिख रहा है, यूट्यूब पे सर लोग दिखा रहे हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है? उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो दिन रात दिन भर पढ़ रहा है। उनसे साथ ये चीट हो रहा है ना। सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम ये चीट का सिस्टम हटा देना चाहिए। चीट का सिस्टम आज से नहीं आ रहा है, बहुत सालों से आ रहा है, तब भी कोई भी सरकार आती रही जाती रही, पर ये सरकार ये सोच नहीं रही है। सरकार से ये गुहारिश है कि अगर आप पड़ताल करिए, अगर लीक है पेपर तो पेपर निरस्त करिए, फिर से एग्ज़ाम करवाइए। हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं, पर ये चीट वाला सिस्टम, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन भी टाइट है, पता नहीं कहाँ से किधर से चीट हो जा रहा है।